आज हम लोग बनाएंगे एगलेस बटरस्कॉच कपकेक्स। चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या चाहिए। मैदा 140 ग्राम, कंडेंस मिल्क 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/2 TSP, मेल्टेड बटर 60 ml, वनीला पाउडर 1 TSP एंड बेकिंग पाउडर 1.5 TSP। अगर आप लोग के पास वनीला पाउडर नहीं है, वनीला एसेंस है, तो आप लोग पानी में एसेंस को मिलाकर फिर बैटर में मिलाइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सभी आइटम्स आपका रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो याद से कपकेक्स बनाने के 2 आवर्स पहले बटर एंड कंडेंस मिल्क को फ्रीज से बाहर निकाल लीजिएगा, जिससे कि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए। जैसा कि आप लोग ने देखा, मैं यहाँ पर मैदा ले चुकी हूँ। अब मैं वनीला पाउडर ले रही हूँ और उसके बाद बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा लूँगी और फिर सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ छानकर मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी। तो चलिए अब बेकिंग पाउडर ले लेती हूँ, जो कि है 1.5 TSP। और अब बच गया बेकिंग सोडा, जो लेना है 1/2 TSP। तो ये हो गया मेरा सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स का काम। अब इन सबको एक बार अच्छे से छान लेती हूँ। छानने से इसमें लम्प्स नहीं रहता है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर से छानिएगा। और अब इन सबको एक साथ मिक्स कर लेती हूँ और फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स का काम ख़त्म, इसको साइड रख देती हूँ। और अब मैं दूसरे बर्तन में कंडेंस मिल्क एंड बटर को मिक्स करूँगी। कंडेंस मिल्क एंड बटर को तब तक मिक्स करना है जब तक कि बटर दिखना बंद नहीं हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सभी आइटम्स को प्रॉपरली मेजर कीजिएगा, जिससे कि कपकेक्स एकदम परफेक्ट बने। यहाँ पर मैंने बटर एंड कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर हैंड व्हिस्क यूज़ कर रही हूँ, आप लोग भी हैंड व्हिस्क से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए मेरा बटर एंड कंडेंस मिल्क मिक्स हो गया है, बटर भी नहीं दिख रहा। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करूँगी, लेकिन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का एक प्रोसेस होता है, वो ये कि पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। 2/3 पार्ट डालकर उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद बाकी का ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से बैटर बना लीजिए। जैसा कि आप लोग ने देखा, पहले मैंने 2/3 पार्ट लिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं बाकी का पार्ट ले रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, लेकिन ये मिक्स नहीं होगा क्योंकि अब मेरे को पानी डालना है। तो आप लोग एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पानी एकदम लास्ट में डालना होता है, जब पानी का ज़रूरत होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप लोग वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हो, तो वनीला एसेंस को पानी में मिक्स करने के बाद बैटर में मिक्स कीजिएगा। तो इस पॉइंट में आप लोग वनीला एसेंस को पानी में मिक्स कर लीजिएगा और फिर जब पानी को बैटर में डालेंगे तो वनीला एसेंस अपने आप बैटर में मिक्स हो जाएगा। आप लोग ने देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप बैटर बनाया तो एकदम अच्छे से बैटर बन गया है। इसी तरह आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा तो एकदम परफेक्ट बैटर बनेगा। ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसको कप्स में फिल करेंगे। तो ये हो गया बैटर रेडी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप है कप्स में फिल करना और फिर बेक करेंगे। मैं यहाँ पर 2 स्पून करके सभी कप्स को फिल करूँगी। आप लोग के पास अगर कोई और मेजर करने का वे है तो आप लोग उस वे में मेजर कर सकते हो, लेकिन सभी कप्स में इक्वली फिल करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी कप में 3 स्पून डाल दिया और किसी में 1 स्पून डाल दिया, कोई बेक होते टाइम बाहर आ गया बैटर और किसी में अंदर ही रह गया,
तो सभी कप्स को इक्वली फिल करना है। अप्रॉक्स आपके पास जो कप का हाइट है उस हाइट का 2/3 अप्रॉक्स फिल करना है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से फिल कीजिएगा। तो ये हो गया मेरा फिलिंग। अब इसको मैं एक बार पैक कर लेती हूँ और फिर उसको बेक करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स के लिए। चलिए देखते हैं मेरा कपकेक्स रेडी हो गया है क्या। तो ये देखिए मेरा नाइफ क्लीन आया है। सो यस, कपकेक्स आर रेडी। अब हम लोग इसमें पाइपिंग करेंगे नोज़ल से। मेरे पास पाइपिंग करने के लिए व्हिप क्रीम है और ये है कैरमल, एंड डेकोरेशन के लिए मैंने बटरस्कॉच बॉल्स को क्रश करके रखा है। तो सबसे पहले मैं कैरमल को व्हिप क्रीम में मिक्स करूँगी, उसके बाद इसको पाइपिंग बैग में भर के पाइपिंग करूँगी। मैं यहाँ पर 2 स्पून ले रही हूँ कैरमल का, आप लोग 2 या 2.5 स्पून ले सकते हो, जैसा आप लोग का मन। अब इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर इसको पाइपिंग बैग में भरेंगे। पाइपिंग बैग मैंने में पहले से ही नोज़ल लगा रखा है। मेरा कैरमल अब मिक्स हो गया है। चलिए अब इसको पाइपिंग बैग में भरती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पाइपिंग बैग को ग्लास में डालकर हॉलो कर लिया है। अब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम को आगे की तरफ करके पाइपिंग बैग को टाइट कर लेंगे, उसके बाद पाइपिंग करेंगे। मैं यहाँ पर नूर का नोज़ल नंबर 5 यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को स्वर्ल डिज़ाइन दिखाने वाली हूँ। तो स्वर्ल डिज़ाइन होता है आउटसाइड टू इनसाइड और फिर लास्ट में छोटा सा पीक, जैसा कि आप लोग ने देखा। चलिए मैं एक और दिखाती हूँ। बाहर से अंदर की तरफ हैंड को मूव करना है और एक के ऊपर एक करना है, फिर लास्ट में छोटा सा पीक, यस इस तरह से। तो ऐसा आप लोग भी कीजिएगा। इसको स्वर्ल डिज़ाइन बोलते हैं। स्वर्ल डिज़ाइन के बाद इसको मैं डेकोरेट करूँगी बटरस्कॉच बॉल से, जिसको मैं पहले से क्रश करके रखा था। अगर आप लोग को क्रश नहीं करना है तो आप लोग एज इट इज़ भी लगा सकते हो, जैसा मन चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा पाइपिंग फिनिश। अब इसको डेकोरेट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर रैंडमली गिरा रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ कप्स को। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को याद आया, मैंने व्हिप क्रीम के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि कैसे व्हिप क्रीम को फेंटना चाहिए। और अगर आप लोग ने मेरा व्हिप क्रीम का वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप लोग के लिए। तो आप लोग ज़रूर से घर पे ये बनाइएगा और मेरे को कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोग को मेरा रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोग को कोई और रेसिपी जानना है, कुछ और सीखने का मन है, तो आप लोग वो भी मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो फाइनली मेरा कपकेक्स रेडी हो गया है, डेकोरेशन हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।